So friends, welcome again. Now again we will go for problem solving. Don't be tired of, because problem solving is very important. Unless you solve the problem, you will not be getting the idea what to do. Okay, now this type of problem is given. Capacitor combination is given. And you have to calculate the equivalent capacitance of the network. Okay. उसके बाद में determine the charge and the voltage across each capacitor. चलते हैं. एक-एक करके diagram निकालते हैं पहला. आज तो ये सब ठीक चल रहा है. Everything is okay. There is no problem of videos and all. So I can teach you nicely, no problem. Okay, patiently see. You have a lot of patience. Whatever I'm telling you, one by one, try to inculcate that. So as the given, let me try to draw the figure. Here are two capacitors. Okay, here is one more. And here is the supply, 300 volt. Okay, ऊपर वाला है 100 picofarad. ये 200 का है, दो 200 pf. This is 200 pf and this is 100 pf. Okay, fine. इनको नाम भी दिया है, इनको नाम भी देते हैं. क्या क्या दिया नाम? C1, C2, C3 और C4. C1, C2, C3 और C4 ऐसे नाम दिए. प्लस माइनस क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट equivalent capacitance. C equivalent is equal to question mark, then charges all and potential all. So first let us calculate the equivalent capacitance. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, इधर निकालता हूँ. Let me check it. Okay, अब इसको क्या करने का, इसको you have to take this and this and separate that. Okay, that is the first. So right over here A, suppose here it is A and here it is B. A के बाद में इधर जाओ, ये आएगा 100 picofarad वाला. Okay, उसके बाद में दो टाइप हो रहा है, ऊपर वाला जा रहा है 100 picofarad को और नीचे दो है आपको, वो कितने हैं? 200 के हैं. ये दो मिलके बाद में इधर जा रहे हैं, उसको बोलो बी. इसको पॉजिटिव बोला है, इसको निगेटिव बोला, मतलब यहाँ से एक बैटरी उनको लगा दिया तो भी चलता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन सो यू विल बी गेटिंग द आइडिया. यहाँ पे 100 खाली वैल्यू डालता हूँ मैं, पिको फैरेड वगैरह नहीं लिखता. 200. ओके, इसके बाद क्या करने का दिखाते हैं थोड़ा. इसके बाद पहले C equivalent निकाल के ले, तो इधर निकालता हूँ. C equivalent is equal to, first of all ये दो है ना, ये सीरीज में है, मतलब ये 200 200, that will be half of that, that will become 100 picofarad. और ये 100 दिख रहा है आपको? ओके, ये 100 और ये 100, ये मिलके ये पैरेलल में, तो इनका बन जाएगा 200. मेरा फिगर फिर से बन जाएगा ए. डैम इट, सब फिर से करते रहना पड़ेगा. ये 100 बनेगा और ये दोनों का मिला के ये हो गया 200. तो भी 100 200 का कितना आएगा? सी इक्वेलेंट एकदम सिंपल है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200. ये आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट करना होता है. ये 2 1s are 2, 1 2 3 4 और ये 300. सो 200 अपॉन
थ्री, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, लेट मी चेक इट अगेन वेदर इट इज, यस यस देयर इज नो प्रॉब्लम. 200, 200, 100, 100, 100, 200, 200 and 100. Hello, hello. Wait, wait for a while. Let me adjust the mic sound. Hello, hello, hello. Okay. तो बेटा what to do next? C equivalent तो हो गया. अभी एक एक करके charges निकालना पड़ेगा. Okay. इसके लिए मैं बड़ा वाला diagram बनाऊँगा. Diagram तो बहुत important है. अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आया तो कुछ भी नहीं. ओके तो मैंने क्या बोला आपको, ये इसके सीरीज में, मतलब वॉट एवर विल बी द टोटल चार्ज हियर दैट विल बी सेम हियर, और दोनों का मिला के चार्ज कितना आएगा, क्यू इक्विवेलेंट. तो पहले ये सबका मिला के चार्ज कितना है, मतलब देखो. हेलो, हाँ तो ये देखो, फिर से देखो, ये दो और ये, मतलब ये सब, वॉट एवर द चार्ज विल बी देयर, सपोज इट इज Q, तो इसके ऊपर भी Q ही चार्ज रहेगा क्योंकि ये सीरीज में, और वो कितना रहेगा, दैट विल बी टोटल इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द नेटवर्क. ओके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर ये दोनों को मिला के जो चार्ज रहेगा दैट विल बी क्यू इक्विवेलेंट, वो निकालना पड़ेगा. फिर पहले आपको दैट वी विल डू एट फर्स्ट. ओके सो आई विल डू इट हियर. तो मतलब यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे भी क्यू. अंदर में क्या होगा, फिर से इसमें है सपोज क्यू डैश, तो इसमें भी क्यू डैश हो जाएगा, और इसमें क्यू डबल डैश, तो ये क्यू डैश, ये भी क्यू डैश, तो ये दोनों का Q डैश और ये Q डबल डैश, ये मिला के अगर आपने निकाला तो आपको मिलेगा Q. और ये 300 वोल्ट जो है, वॉट एवर इज द 300 वोल्ट, तो इधर क्या होगा, ये A और ये पॉइंट देखो, ये वाला, इनके बीच में और ये सबके मिला के बीच में ये दो वोल्टेज मिलेगा आपको, वो मिला के आपका दैट विल बिकम 300, एंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच विल बी द वोल्टेज. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हम निकालते हैं क्यू इक्विवेलेंट. सो क्यू इक्विवेलेंट कैसे आएगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी. वी तो मालूम है आपको, सी इक्विवेलेंट मालूम है. सी इक्विवेलेंट कितना है, 200 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये रहेगा 100, ये बन गया 1, 2, 3, 4, 2000. ओके 2000 पिको कूलम. ओके 2000 पीको कूलम. ओके मतलब ये कितना बन गया, 2000 इंटू 10^-12 कूलम, मतलब 1, 2, 3. ओके सो 2 इंटू 10^-, ये सॉरी हाँ, इधर 2000 नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ये माइनस, ये 4 निकल गया ना, 8 हो जाएगा, 8 इधर, ये है ना, 1, 2, 3, 4, 4 zeros are there. So that will become 2 into 10^-8 कूलम बन जाएगा. ओके ये क्यू मिल गया मुझे, तो क्यू इक्विवेलेंट मिल गया, सी इक्विवेलेंट भी मिल गया, कितना है, ओके okay. तो नाउ वॉट एवर इज द क्यू इक्विवेलेंट दैट विल बी सेम ना, सेम ऑन हियर, सेम ऑन हियर, तो मतलब मुझे क्यू मिल गया. ओके तो पहले जो पूछा है, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो इसको मैंने अगर बोला तो इसका मिल गया कितना मुझे, पहले का आंसर मिल गया मुझे, ये देखो Q1 = 10^-8 कूलम. ओके ओके सॉरी ये नहीं, ये नीचे वाला, ये तो 10^-8, ये जो एक दिया है Q4, ये इसको Q4 बोला है उन्होंने, कुछ नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ, हाँ ये C4 है, करेक्ट. ओके मिल गया, ये C4 है, इसके लिए इसका आ जाएगा मेरा 2 × 10^-8 कूलम, ये मिल गया. ओके इधर लिख के रखा,
ये इधर मैंने लिखा है। और अभी इधर देखो थोड़ा सा बच्चों, ओके व्हाट आई डू, आई विल जूम इट सो यू विल गेट द आइडिया। ओके ओके समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें बहुत ही हलचल हो रहा है सब, और ये इधर बहुत ग्रीन ग्रीन होगा। ठीक है, तो अभी क्या ये जो मिल गया मुझे 2 × 10⁻²⁸। नाउ वॉट एवर इट इज देयर, ये जो सो दिस ऑल कॉम्बिनेशन दैट विल ऑल्सो हैव 2 × 10⁻⁸। तो ये मैंने सेपरेट निकाल के लेना है, इसको मैंने सेपरेट के निकाल के लेना है ऐसे करके। उसका चार्ज मेरे को मालूम है, आई नो दैट चार्ज। तो ये इधर ऊपर कितना दिया है अपने को, अपन को दिया है 100, नीचे अपन को दिया 200। ये सबके ऊपर मिला के चार्ज है मेरा 2 × 10⁻²⁸, इसको बोलता हूँ मैं क्यू। तो अब ये हो जाएगा क्यू डैश, ये भी हो जाएगा क्यू डैश, और ये हो जाएगा क्यू डबल डैश। देखिए समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ये क्यू डबल डैश निकालना है आपको। तो इसके आगे इधर इधर कितना है अपना क्यू है, तो ये क्यू मिल गया आपको। इसका सी भी मालूम है, सी कितना है इसका 100 pF, तो इसका वी मिल सकता है आपको। तो वी विल बी क्यू इज इक्वल सी वी ना, तो क्यू अपॉन सी। क्यू कितना है इसका 2 × 10⁻⁸ अपॉन सी कितना है 100 × 10⁻½, मतलब ये 2 × 10⁻⁸ ये 10⁻¹० हो जाएगा, ये निकल गया 10⁻²² हो जाएगा, मतलब ये कितना हुआ 200 हुआ। अगर ये 200 है, ये मिल गया मुझे 200, तो इधर का है वोल्टेज भी मिल गया। ओके 200 ही आ रहा है ना, हाँ बराबर है, ये 200 आएगा बराबर। आगे तो एकदम इजी है, ओके सो डोंट वरी अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ओके तो बेटा आई हैव गॉट, आई विल ट्राई टू शो यू हाउ इट इज कमिंग, आई विल ज़ूम इट। ओ बस तो बेटा ये आपको ये 200 मिल गया, 200 पूरा कितना है, टोटल इज 300, मतलब इसका कितना होगा, इसका मिला के इसका हो जाएगा 100। अगर इसका 100 है, इधर भी 100 रहेगा, इधर भी 100 रहेगा, और अगर इसका 100 है और ये 200 का है, मतलब सेम है, तो ये भी बढ़ जाएगा 50-50, सो दैट आंसर इज ऑल्सो कमिंग, सो दैट आंसर इज ऑल्सो कमिंग। तो बेटा ये क्या मिला, इसके ऊपर कितना मिला आपको 2 × 10⁻⁸ कूलम, बाद में इसके ऊपर पूरा मिला के कितना मिला 2 × 10⁻⁸ कूलम, बाद में इसका वोल्टेज कितना मिला 200 वोल्ट, इसका भी टोटल वोल्टेज कितना मिला 300 − 200, मतलब 100। अगर इसका पूरा मिला के 100 है, इट मीन्स दैट हियर ऑल्सो 100 एंड हियर ऑल्सो 100। नाउ हियर 100 मीन्स इट विल बी डिवाइडेड इक्वली 50 और 50, मिल गया। अभी इसके ऊपर 50 है, इसके ऊपर 50 है, इसका 200 है, इसका 200 है, आप उसका चार्ज निकाल सकते हैं और उसका एडिशन किया, सॉरी वो सीरीज में है ना, एडिशन नहीं होगा, किसी एक का निकालो, यू विल गेट क्यू डैश, और वो क्यू से निकाल दिया, सब्सट्रैक्ट किया, तो आपको मिल जाएगा क्यू डबल डैश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट वाज द मेथड बाय विच यू कैन कैलकुलेट। ये एकदम इजी आता है आपको दिखाने के लिए, मैंने इतना टाइम लिया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। इफ़ स्टिल यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी यू मे आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। ओके लेट मी टेक अ कप ऑफ वाटर, ओके and then we'll continue. Okay then. Now we'll go for next problem. अब इसके बाद में okay एकदम simple problem है, छोटा वाला, वो भी complete करते हैं। They have asked, इसका सॉल्यूशन भी बना के रखा है मैंने, तो टाइम पास नहीं हो जाएगा। लेट मी चेक हाउ मच इज टाइम पास्ट, ओ 40 मिनट्स, लेट मी कंप्लीट इट फास्ट। अ चार्ज ऑफ 8 mC इज लोकेटेड एट द ओरिजिन,
calculate the work done, it's okay. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 raised to minus 9 coulomb from a point P 003 centimeter to a point 04 centimeter 0 via point R 06 centimeter 9 centimeter. Okay, okay. एकदम सिंपल है, दिखाने के लिए थोड़ा सा ये दिया, ठीक है। तो देखो बेटा क्या किया है, ऐसे ये डायग्राम निकाल के रखो। अरे बाप रे, इधर से कर रहा था एक मिनट थोड़ा इसको बढ़ाता हूँ, बस ओके। देखो बेटा क्या किया है, चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन, यहाँ पे अपना 8 मिलीकूलम का चार्ज है, ओरिजिन पे लोकेट, अरे बाप रे, हाँ ओरिजिन पे लोकेट हुआ है। अभी क्या है, दूसरा वाला एक चार्ज है वो 003 मतलब यहाँ से यहाँ तक लाया है, लेकिन कैसे लाया है उसको, ऐसे लाए फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो पहले क्या करने का है, वर्क डन हियर डोंट कंसिडर अबाउट द पाथ, कंसिडर द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो क्या करना है आपको, एकदम सिंपल है, जितना दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर मतलब 0.03 मीटर। फाइनली इसका कितना है 0.04 मतलब 4 सेंटीमीटर ना, 0.04 मीटर। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ और यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस कितना, जिसका जितना इसका कोऑर्डिनेट होगा, वॉट एवर द कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, द सेम विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस ओरिजिनल चार्ज एंड दिस मूविंग चार्ज, बिफोर मूविंग द डिस्टेंस विल बी दिस। तो उसके मुताबिक यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, हो गया। तो क्यू वन कितना है 8 मिलीकूलम, 8 इंटू 10 टू माइनस 3, यहाँ पे देखो 8 इंटू 10 टू माइनस 3, और 2 कितना है अपने को दिया है वो, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर हो गया, वो हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली क्या करना है, वैसे ही ये इधर आने के बाद अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक ही कोऑर्डिनेट का किसी का भी, ये जेड एक्स वाई का ये मत ले लो, डायरेक्टली उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा बराबर ही, क्योंकि ये 0 0 को है, तो डायरेक्टली ऑन द लाइन ये लिया है उसको, सो इट विल बी 0.04। तो यहाँ पे लेने का है 9 इंटू 10 स्क्वायर मतलब के, ये एक का मैग्नीट्यूड 8, दूसरे का मैग्नीट्यूड वही है, वही हो रहा है, खाली ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 0.03, यहाँ पे 0.04, बस हो गया। अभी वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट डू दैट, आंसर यू आर गेटिंग इज 1.2 जूल। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कॉल इट एज डे फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो अगेन वी विल कम फॉर सम प्रॉब्लम्स, आई एम सॉरी फॉर टुडे दैट आई टोल्ड यू वी विल सी सम मोर प्रॉब्लम्स and you are waiting for some more problems, but I forgot, that was the last video, okay, very sorry for that. Tomorrow once again we will solve the problems. Before that let me take your, not much time but some time, okay. For capacitor what you have to do, series, are due to this fluctuations now our time is ओके, तो सीरीज पैरेलल डायलेक्ट्रिक्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, बाद में शेल प्रॉब्लम्स, शेल मतलब हॉलो शेल, हॉलो कंडक्टिंग दैट ऑल, ग्राउंडिंग प्रॉब्लम, इसको ग्राउंड किया, बाहर वाले को ग्राउंड किया, अंदर वाले को ग्राउंड किया, तो ग्राउंडिंग प्रॉब्लम्स, वर्क डन, देन पोटेंशियल एनर्जी, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस, सो दैट विल बी योर टारगेट एंड बूस्ट योर मार्क्स, ओके। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर मार्क्स, आई हैव टू सी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ओके, हैव यू डन योर स्टडी और नॉट, ओके, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, टुमारो विल अगेन मीट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रिगार्ड्स एवीएम, बाय।